फील्ड है वो बी है, इसका लेंथ एल है, रेडियस आर है। अब कहता है देन इट्स टू टर्न्स, अगर इसमें टू टर्न्स हो गया मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमने दो कर दिए, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके सेंटर पे बी डैश हो गया होगा। तो या तो इसको सॉल्व करो, या तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है कि नंबर ऑफ टर्न्स एन करने से मैग्नेटिक फील्ड एन स्क्वायर बी हो जाता है। तो टू टर्न्स किए हो तो टू का स्क्वायर और बी हो गया, मतलब 4B इसका ऑप्शन सही हो गया, ये सी। नंबर ऑफ टर्न्स एन करोगे एक ही बार का तो मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे एन स्क्वायर टी साइन पड़ जाता है। अगर नहीं, ये नहीं याद है तो ये इसको डायरेक्ट कर भी सकते हो, लिख लो इसका मैग्नेटिक फील्ड, लिखोगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2R, और इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई, करेंट तो सेम है, 2R डैश रेडियस, और नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन से मल्टीप्लाई कर दोगे मेरे भाई। चलो तो यहाँ अब दोनों को यहाँ यहाँ से लेंथ की वैल्यू अगर देखोगे, लेंथ की वैल्यू तो ये आ जाएगा 2πr, तो r की वैल्यू आ जाएगी l अपॉन 2π। तो यहाँ से इसमें रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड B की जो वैल्यू आ जाएगी वो म्यू नॉट आई और 2, और r की वैल्यू l और ये 2π, तो 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइडेड बाई एल, ये। अब यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 2 है, n1 की वैल्यू ऑब्वियसली 2 है, तो रेडियस देख लेते हैं। हाँ, रेडियस तो लेंथ l इज इक्वल टू 2πr1, तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ से r1 की जो नंबर ऑफ टर्न्स 2 है, तो ये लेंथ r1 की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से r1 की वैल्यू आ जाएगी वो l अपॉन 2 और पाई मल्टीप्लाइड बाई अगेन 2, मतलब 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा L2π। ये तो यहाँ से इसको ले जाके अगर इसमें रखोगे, इन सभी डेटा को इसमें रखोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड B डैश ये सारा इसमें उठा के रख दो, तो म्यू नॉट आई नंबर ऑफ टर्न्स 2 और 2 और ये L अपॉन 4π से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आ गया। तो फाइनली ये 2, एक 2 बच गया, ऊपर चला गया, तो ये 4 टाइम्स म्यू नॉट आई पाई और ये आ जाएगा L, और दिस इज द बी डैश, तो ये आ जाएगा बी डैश, और ये एक्चुअल में बी है, तो बी डैश की वैल्यू 4 टाइम्स बी के इक्वल हो जाएगी, बराबर है। तो चलो यहाँ से मतलब सी ऑप्शन हम लोग का सही है।